कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा। मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की, ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को स्वरूप में संचालन करना शुरू किया, जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद, अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा।